क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। प्राकृतिक या जैविक खेती या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंग्लिश इज द फ्लेवर ऑफ द डे। आखिर क्या है ये जैविक खेती? भविष्य में हमारी धरती को सुरक्षित करने में आखिर क्या है इसका महत्व? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर बीते 25 सालों से सार्थक शोध करते, स्वयं भी उसी जैविक खेती को लाभप्रद रूप से अपनाते, हजारों लाखों किसानों को इसका प्रशिक्षण देते और राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके उस समर्पित और देशभक्त किसान का नाम है पद्मश्री भारत भूषण त्यागी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के सियाना तहसील के अंतर्गत बेहटा गांव में करीब 54 बीघे में फैली यह है देश में जैविक खेती की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला। इसके प्रणेता भारत भूषण त्यागी अपनी इस इकाई के चार स्तंभ गिनवाते हैं। चारों जो प्रबंधन है वो है उत्पादन में हम किस तरीके से गुणवत्ता युक्त चीजों को पैदा करें, लागत खर्च कम करें। दूसरा, उसका प्रमाणीकरण कैसे होगा। तीसरा, उसका प्रसंस्करण कैसे होगा, मूल्य संवर्धन कैसे होगा। और चौथा, उसका उपभोक्ता के लिए बिक्री का आधार क्या होगा। जैविक खेती की इस लाभप्रद प्रयोगशाला की एक चिंताजनक पृष्ठभूमि है। आजकल देखेंगे जहर का एक बेबुनियादी ढांचा हमारे सामने है, जिसमें हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और ये देख लो बहुत चीजों को, फंजीसाइड, मारना है सबको। तो ये धरती की व्यवस्था को तबाह करके हम लोग जाएंगे कहां? आखिरकार हमें जाना ही पड़ेगा जैविक खेती की ओर, जो त्यागी जी कर रहे हैं। इनकी इस व्यवस्था का पहला स्तंभ है उत्पादन, वह भी खेत एक फसल अनेक मंत्र के साथ। यहां की स्थानीयता को देखते हुए अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी और पशुओं के लिए चारा और इमारती लकड़ी, जितनी भी उपयोगी चीजें मनुष्य की आवश्यकता हैं, उनको खेत एक फसल अनेक के सिद्धांत पर सही प्रबंधन की दृष्टि से लगाया जाता है। उत्पादन के बाद अगला स्तंभ है प्रामाणिकता का। इसके लिए त्यागी जी ने जोर दिया सरकार की पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम या PGS के इंडिया ऑर्गेनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम पर, जो बिल्कुल निःशुल्क है। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा कदम था। किस तरीके से हम किसान को एक जिम्मेदारी के रूप में एक कार्यक्रम सौंपें और वो गुणवत्ता की प्रति जिम्मेदार हो जाएं, तो हम उसी का अभ्यास करते भी हैं, कराते भी हैं और किसानों के साथ साथ इस कार्यक्रम की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सारा काम करते हैं। अब बारी है प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग की। इससे उत्पाद की गुणवत्ता संरक्षित करने के साथ साथ मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन भी होता है, जैसे गेहूं के दलिया का प्रसंस्करण। देसी गाय के घी से उसको ट्रीट करते हैं 55 डिग्री टेम्परेचर पर। इससे क्या होता है, उसमें घी की कोटिंग हो जाती है। ये है मूल्य संवर्धन। अब उसमें घी के भी गुण आ गए, दलिया के भी गुण पूरे सुरक्षित हैं। तो वो जिस तरीके से फास्ट फूड में जो अब पोषण की कमी आई है, उसको पूरा करने के लिए ये दलिया बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ऐसे प्रसंस्कृत उत्पाद या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स को FSSAI या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमाणीकरण को जोड़कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। पर इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से पूर्व बात होती है चौथे स्तंभ यानी बाजार व्यवस्था की। हमने यहां शेयर प्राइस किया। शेयर प्राइस बोलते हैं कि कंज्यूमर के साथ बातचीत की कि उत्पादक ने इस चीज को बहुत गुणवत्ता से पैदा किया है, इसके प्रमाणीकरण और सारे मानक सुरक्षित हैं, आप इस पर यकीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम कीमत आपके साथ तय करना चाहते हैं। तो जब किसान की 15-20% प्रीमियम की बात आती है, तो उपभोक्ता भी देने को तैयार है।
इस प्रकार भारत भूषण त्यागी स्वयं तो लाभप्रद जैविक खेती कर ही रहे हैं, साथ ही बाकी किसानों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने चार स्तंभों पर आधारित इस जैविक खेती के उत्पादों को वो उपभोक्ताओं तक अपने ब्रांड एग्री बाबा के नाम से पहुंचा रहे हैं। यूपी बिहार का कोई लड़का अपने गांव से निकलकर अगर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच जाता है तो उसके घर परिवार रिश्ते नाते सब ये मान लेते हैं कि लड़का या तो आईएएस बनेगा या फिर कोई अच्छी नौकरी तो जरूर करेगा। पर भारत भूषण त्यागी के माता पिता ने उन्हें किसी भी नौकरी करने की बजाय अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करने का आग्रह किया। काफी दिलचस्प है उनके किसान बनने की कहानी। आज लाखों किसानों के लिए प्रेरणा बने भारत भूषण त्यागी का जन्म बुलंदशहर जिले के बेहटा गांव में 4 जनवरी 1954 को एक किसान परिवार में हुआ था। अपने गांव और आसपास ही प्रारंभिक शिक्षा के बाद वो पहुंचे दिल्ली विश्वविद्यालय में। वहां से इंटर करने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसका आजकल नाम बदल गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज है, तो वहाँ पर मेरी शिक्षा हुई है। और मैं लास्ट के साल में ही पिताजी ने हमको आदेश कर दिया था कि अब गांव वापस आ जाओ। वापस गांव बुलाकर उनके पिता ने उनसे क्या कहा? वो नौकरी के लिए नहीं पढ़ाया है हमने आपको। पढ़ाया है कि कृषि और शिक्षा दो ऐसे विषय हैं जो ग्रामीण स्तर पर भविष्य में जिनके बारे में मुझे चिंता होती है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए कि ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण कृषि का कहीं ना कहीं उनमें कोई बड़ा नुकसान उनको ना हो जाए। तो आप अपनी शिक्षा का प्रयोग करिए समाज के इन दोनों मुद्दे पर। फिर भारत भूषण त्यागी के लिए पिता का आदेश सिर माथे। शिक्षा में तो ज़्यादा मेरी रुचि नहीं बनी, लेकिन चूंकि मैं किसान परिवार में था तो मेरी खेती में रुचि बन गई। तो मैंने 1976 में ये संकल्प ले लिया माता पिता की बिल्कुल आज्ञा से कि मैं खेती करूंगा। इस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करते समय ही आईएएस आईपीएस या डॉक्टर इंजीनियर बनने की बजाय वापस अपने गांव आ खेती किसानी में जुटने वाले भारत भूषण त्यागी से आज के युवा भी वापस अपने गांव की ओर लौटने की सीख ले सकते हैं। विशेषकर युक्त संगत जैविक खेती से शहर की बजाय गांव में ही बेहतर कमाई और कहीं बेहतर हवा पानी के बीच। कहते हैं ना कि घनघोर अंधेरे के अनुभव के बाद ही किसी को प्रकाश की पहचान होती है, उजाले के महत्व का पता चलता है। उसी प्रकार आज जैविक खेती के प्रेम से ओतप्रोत भारत भूषण त्यागी ने भी अपनी किसानी के शुरुआती 10 साल रासायनिक खेती में ही बिताए। इसे दिल्ली में पढ़ाई का असर कहें या बीते 10 साल की हरित क्रांति का प्रभाव कि 1976 में त्यागी जी ने कुछ कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर करीब 10 साल तक रासायनिक खेती ही की। शुरू में उपज भी बढ़ी पर उनके अच्छे उत्पाद की परिणति अच्छी आमदनी में न हो पाई। 85-86 की बात रही होगी, मुझे कुछ तकलीफें आने लगी। मेरे पास मुझे लगा कि मेरी आर्थिक कमजोरी है, मेरे ट्रैक्टर की जो किस्त थी वो ठीक ढंग से नहीं जा रही है। तो मैंने फिर उसके कई कारण जानने की कोशिश की। रासायनिक खेती के अपने अनुभव में उन्होंने पाया कि यह लागत आधारित खेती है। इसमें जुताई, बीज, खाद, सिंचाई और कीटनाशक जिनके बल पर यह खेती की जाती है, इन सब के लिए किसान बाजार पर निर्भर होता है। अतः एक आम किसान के लिए यह खेती काफी महंगी पड़ती है। उत्पादन के लिए जुताई के लिए ट्रैक्टर बाजार से, उसका ईंधन पुर्जा मरम्मत बाजार से, तो जुताई का काम बाजार में चला गया। सिंचाई के लिए जो मशीन का इस्तेमाल किया उसके लिए ईंधन पुर्जा मरम्मत बाजार से, सिंचाई का काम बाजार के कब्जे में चला गया। खाद हम बाजार से लाते हैं, बीज हम बाजार से लाते हैं, दवाई हम बाजार से लाते हैं, तो खेती कौन करता है? मुझे पता लगा खेती तो बाजार कर रहा है, मुनाफा तो बाजार में चला गया।
किसानों की इस परेशानी को त्यागी जी ने जगह जगह उठाना शुरू किया, सवाल भी पूछे। मेरा जब उत्पादन बिकता है तो फिर MSP क्यों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों, ये मिनिमम का आंकड़ा क्यों है? और जब मैं खरीदने जाता हूँ, मैं ही कंज्यूमर हूँ, मेरे गेहूँ का सामान मैं खरीदने जाता हूँ, तो फिर उस पर MRP क्यों? हरित क्रांति के नाम पर रासायनिक खेती को बढ़ावा मिलने से कृषि तंत्र पर बाजार का एकाधिकार होने लगा। कई और नुकसान भी हुए। रासायनिक खेती के कारण भूमिगत जल स्तर कम हुआ, जल प्रदूषण बढ़ा, साथ ही मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता घटी। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए त्यागी जी ने बाजार की बजाय नए विकल्पों की तलाश शुरू की। यहीं से मैंने उत्पादन प्रबंधन के लिए तय किया कि मुझे प्रकृति की व्यवस्था को समझकर खेती की लागत कम करनी है, बाजार से कोई जहर नहीं खरीदना है और कम से कम चीजों को बाजार की को इस्तेमाल करना है। साल 1976 से 1987 तक के अपने कृषि अनुभवों से त्यागी जी यह तो समझ गए थे कि खेती के लिए बाजार पर निर्भरता ने ही किसानों को गुलाम बना रखा था, पर बाजारीकरण से दूरी किसानों को खुशहाल कैसे बना पाएगी यह जानना अभी बाकी था। रासायनिक खेती से मोह भंग हो जाने के बाद और जैविक खेती को पूरी तरह अपनाने से पूर्व भारत भूषण त्यागी ने करीब एक दशक इस उधेड़ बुन में और शोध करने में बिताए कि आखिर क्या सही है, उचित है, कृषि के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए। रासायनिक खेती से मोह भंग के बाद भारत भूषण त्यागी के सामने दो चुनौतियां थी। हमें और आगे बढ़ना है और हमें आत्म अनुसंधान की तरफ बढ़ना है, खुद को समझना है, तो उसके साथ साथ दूसरा काम यह था कि खेती में भी बदलाव करना है। आत्म अनुसंधान और खेती में सही बदलाव की खोज में वे कई जगह घूमे, आध्यात्मिक खोज में शांति कुंज से जुड़े और आर्य समाज की साधनाएं भी की। खेती के विकल्प की तलाश में महाराष्ट्र में वर्धा, गुजरात, कर्नाटक समेत कई राज्यों का भ्रमण किया और जैविक खेती, सजीव खेती, सेंद्रीय खेती, नैसर्गिक खेती, जीरो बजट खेती सहित विभिन्न विधियां भी समझी और अपनाई। इनसे आंशिक लाभ तो हुआ पर स्थायी समाधान न मिला, पर एक बात समझ में जरूर आ गई, मनुष्य प्रकृति की व्यवस्था से दूर है, अभी बहुत दूर है। मनुष्य प्रकृति की व्यवस्था के समानांतर व्यवस्था बनाने में लगा है, जबकि व्यवस्था के साथ जीना है। तब अपने भांजे सोम त्यागी की मदद से भारत भूषण त्यागी 1997 में मध्यस्थ दर्शन और सह अस्तित्ववाद के प्रणेता अग्रहार नागराज जी से अमरकंटक जाकर मिले। मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था को समझा और जाना, वहां से उन्हें नई दिशा मिली। जमीन तो भरपूर खनिज है, वो पोषण का भंडार है, तो वो पोषण स्थिति से गति में कैसे बदलता है ये खेती के लिए हमने समझा। अर्थात मध्यस्थ दर्शन से ही त्यागी जी को वह राह दिखी जिससे मानव समृद्धि पूर्वक इस धरती पर जी सकता है, कृषि लाभप्रद बन सकती है। दर्शन में आने से पता लगा कि खेती तरीकों से नहीं होगी, लागत से नहीं होगी, बजट से नहीं होगी, ये समझ से होगी। एक मौलिक बात समझ में आई। यहां समझ कर खेती करने का मतलब क्या है? यहां खाद बनाना नहीं है, यहां खेत ही खाद बनाता है। खेत में ही फसलों की सुरक्षा है, खेत में ही फसलों का पोषण है, मौसम बदलता है और उसी के हिसाब से फसलें पैदा होती हैं। इस प्रकार साल 1987 से 97 के बीच खेती और आत्मबोध की उधेड़ बुन में फंसे भारत भूषण त्यागी ने प्रकृति के साथ मनुष्य के सह अस्तित्व को समझा, प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर रुख किया। नतीजतन न केवल सकारात्मक नतीजे सामने आए बल्कि वे लाखों किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे किसी भी गरीब किसान को अमीर बनाने का मंत्र ढूंढ निकाला भारत भूषण त्यागी ने। देखते रहिए क्या बात है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्यस्थ दर्शन के उजाले में करीब 25 वर्ष पूर्व भारत भूषण त्यागी को जैविक खेती की एक ऐसी राह दिखी जिस पर चलकर जहां देश का किसान खुशहाल हो सकता है, वहीं हमारी उपजाऊ जमीन भी, धरती भी बंजर होने से, तबाह होने से बच सकती है। आज भी उसी राह पर चलते हुए वो हजारों लाखों किसानों को वही राह दिखा भी रहे हैं। प्रकृति की व्यवस्था को समझते हुए त्यागी जी ने खेत एक फसल अनेक का नियम अपनाया। इसमें विविध फसल प्रणाली, सतही घनत्व, नैसर्गिक संतुलन, दूरी का नियम, समय और ऋतुकाल, श्रम नियोजन और बीजों की अनुवांशिक संरचना पर जोर है। हमने बिल्कुल खेत को ऐसे ही एक डिजाइन दिया, उसकी पहले नापतोल की, नापतोल करके उसकी क्यारी बनाई, मेंड बनाई, यहाँ पर मैं ये फसल लगाऊंगा, यहाँ पर मैं ये फसल लगाऊंगा, इस और फिर उसकी अदला बदली करते रहेंगे, उसकी अदला बदली होती रहेगी जब जैसा समय होगा। खेत एक फसल अनेक के सफल प्रयोग के बाद त्यागी जी ने अपनी इस खेती का नाम रखा सह अस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि पद्धति या समक पद्धति, अर्थात प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती। उन्होंने मुझे समक पद्धति के बारे में बताया जिसमें एक ही खेत में 4 से 5 फसलें क्लाइमेट के अनुसार एक साथ बोई जाती हैं। तो उसमें हमने जब इसको अपने खेतों में अप्लाई किया तो हमसे उस समय जो हमारा मुनाफा नहीं निकलता था वो मुनाफा हमारा बढ़ना शुरू हो गया। एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं, उत्पादन का कहाँ संकट है, इसलिए प्रकृति में समृद्धि है, हमें प्रकृति की व्यवस्था को समझना है। अपनी सोच और गतिविधियों के व्यवस्थित संचालन हेतु त्यागी जी ने 1997 में ही चेतना विकास स्वराज ट्रस्ट की स्थापना की थी। 2014 में इसका पंजीकरण हुआ। इसके अंतर्गत किसानों को ऑर्गेनिक खेती का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही गौशाला, गोबर गैस प्लांट सहित खेती की और विधियां भी बताई जाती हैं। ज़्यादातर हमारे पास जैविक किसान आते हैं, जैविक किसान जागरूक होते हैं और उन्हें मालूम होता है कि मेरी भूमि में क्या चीज़ डलनी है और किस मात्रा में डलनी है, जिससे उनकी लागत में बहुत ज़्यादा कमी आती है और उनको फायदा भी अधिक मिलता है। त्यागी जी द्वारा जैविक खेती से आत्मनिर्भरता वाले सफल प्रयोग का अनुसरण करने वाले किसान अनगिनत हैं। मैं 60,000 से ज्यादा लोगों को तो मधुमक्खी पालन का काम सिखाया था। अच्छा, यहाँ भी। और मैं कई लाख लोगों को तो जैविक खेती का कार्यक्रम सिखा चुका हूँ। कितने लोग कर रहे हैं इसका मेरे पास कोई दावा नहीं है और मैं कोई डाटा बनाता नहीं हूँ। भारत भूषण त्यागी जी हमारे लिए रोल मॉडल है और उन्हीं को देख के हम इस लाइन में आगे बढ़े हुए हैं। आज हम उन्हीं के मतलब मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लिए बहुत आदरणीय, मैं तो यही कहूँगा कि सर अगर इनके मार्गदर्शन में और लोग जैविक खेती करना चाहें, इसके साथ जुड़ना चाहें, तो बहुत अच्छे एक रोल मॉडल हैं उन सब के लिए। जैविक खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए त्यागी जी कृषक उत्पादक संगठन यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अर्थात FPO या FPC के जरिए लोगों को नई राह भी दिखा रहे हैं, ताकि आम किसान भी बड़ी बड़ी कंपनियों का डटकर मुकाबला कर सके। उद्देश्य यह है कि जैविक खेती तो लोग कर लेते हैं, पर जैविक खेती के बाद क्या? तो जैसे कि मैंने बताया, बाबूजी के सानिध्य में, आदरणीय भारत भूषण त्यागी जी के सानिध्य में मैंने जैविक खेती शुरू करी। वो हमेशा से कहते थे कि खेती एक पार्ट है और खेती के बाद उसका दूसरा पार्ट है उसका व्यवसायीकरण यानी प्रोसेसिंग करके उस उत्पाद को बेचना। यदि हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो ये विकल्प है इसको उभारते हैं तो उत्पादन का प्रबंधन, प्रमाणीकरण, प्रसंस्करण और कीमत निर्धारण का अधिकार कहीं ना कहीं किसान की तरफ जाता है। ये अधिकार यदि जाता है तो इस देश का किसान समृद्ध होगा, यहाँ की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भागीदारी बढ़ेगी और देश में टिकाऊ अर्थव्यवस्था का एक नया विकल्प खुलेगा। खेती को लेकर भारत भूषण त्यागी की ये पहल निश्चित ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ते कदम हैं। इसके जरिए खुशहाल किसान की संकल्पना पूरी होती दिख रही है। कृषि, शिक्षा और पर्यावरण जैसे मानव मात्र के अस्तित्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सफलतापूर्वक ढूंढने वाले भारत भूषण त्यागी को कृतज्ञ समाज और देश ने सिर माथे पर बिठाया भी है। उन्हें मिलने वाले अनेकों सम्मानों और उपाधियों में से राष्ट्रपति के हाथों मिला पद्मश्री
सबसे विशेष है। प्राकृतिक और जैविक खेती की परिभाषा पर छिड़े विवाद से आगे की बात करते हैं त्यागी जी। बदलाव केवल खेत में मत करो, किसान के स्तर पर मत करो, पूरे कृषि तंत्र के आधार पर करो और उसके लिए पूरे देश में एक संवाद हो, परिभाषा से लेकर अनुसंधान केंद्र तक। बिल्कुल, परिभाषा अनुसंधान केंद्र के माध्यम से खेत तक जाए तो हमको सफलता मिलेगी। श्रीलंका में जैविक खेती के नकारात्मक नतीजों से वे भारतीय किसानों को सीखने की सलाह देते हैं। प्रकृति की व्यवस्था को नहीं समझते हुए और यदि हम किसी छोटे छोटे तरीकों पर काम करेंगे और छोटी छोटी सोच के साथ काम करेंगे तो उत्पादन भी गिरेगा और आर्थिक भी कमजोरी भी आएगी। और श्रीलंका तो बाद का उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे किसान देश में थे जिन लोगों ने बिना समझे जल्दबाजी में जैविक खेती के नाम पर कुछ भी किया और वो काफ़ी नुकसान में गए। अपनी सफल जैविक खेती के साथ साथ देश भर में अनेकों गोष्ठियों और कार्यशालाओं में किसानों का प्रशिक्षण और सरकारों को सहयोग करते हुए भारत भूषण त्यागी अनेकों अलंकरण से विभूषित हुए हैं। उनमें 2019 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि और 2019 में ही भारत सरकार से मिला पद्मश्री सम्मान सबसे विशेष है। एक रास्ता ऐसा निकला कि इस समाज ने सबके पुण्य से और देश के गौरव से हम लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला। अब पद्मश्री पुरस्कार मिला तो और जिम्मेदारी बढ़ती चली गई। उनको अपने इन जैविक खेती के प्रयास के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आशा है कि भारत भूषण त्यागी जैसे ही देश के बाकी किसान भी व्यवस्थित और सही जैविक खेती अपनाकर भारत को पुनः उस दौर में ले जाएं जहां खुशहाल किसान एक बार फिर गा उठे। जैविक खेती से जुड़े अनेकों अनूठे प्रयोगों के जनक और हजारों लाखों किसानों को पर्यावरण प्रिय और स्वावलंबन वाली राह दिखाने वाले भारत भूषण त्यागी की दिलचस्प और उपयोगी कहानी देख सुनकर आप बेहिचक बोल सकते हैं, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक और प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।